मिनी जा रही तो गुस्सा हो रही है, अंदर से देखी थोड़ा उदास हो गई है, हम गैया मनाने आई है। नटखट धुआं लगा हुआ है, नटखट धुआं विसर्जन में यहाँ पे गौरी गौरव बैठाया है जानू नहीं। अभी मैं अपने गांव का रोड, यहाँ से 1 किलोमीटर बचा मेरा गांव। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल, आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं आपका भाई कुणाल, तो आप सब देख रहे हो ब्लॉग कुणाल। तो अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ अपना गांव जो कि साजा के पास है किस तरह, तो वहाँ हर साल मैं दिवाली मनाने के लिए जाता हूँ। तो अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ, दर्शन कर चुका हूँ मैं और पापा। मम्मी का कैंसिल हो गया प्लान, क्योंकि अब पता नहीं क्यों कैंसिल हुआ है, तो मम्मी हो गई उदास, तो इसलिए मम्मी नहीं जाएगी अभी फिलहाल। हम दुर्ग से समझा जाने वाला रोड है और आगे नरकट्टी गाँव पहुँच चुका हूँ मैं अभी फिलहाल। तो मैं उतना ज़्यादा मोटो व्लॉग नहीं कर रहा हूँ आज, क्योंकि मेरे को जल्दी जल्दी पहुँचना है और वहाँ गौरव गौरी विसर्जन ना हो जाए ये चीज़ का डर है, तो जल्दी से पहुँचता हूँ। पहले ननकट्टी का बोर्ड लगा हुआ है, ननकट्टी पहुँच चुका हूँ और दूर की लेफ्ट साइड धनिया बोरी पथरिया धंधा देवघर बेमेद्रा सब राइट में है, तो हमें धंधा की ओर चलना है अभी फिलहाल। मैं अभी फिलहाल धंधा हाईवे में आ गया हूँ, ये दुर्ग से धंधा हाईवे है। यहाँ पर तेंदुभाटा में विसर्जन हो रहा है, तेंदुभाटा और इस गाँव में मेरी बुआ रहती है एक, यहाँ पे भी विसर्जन हो रहा है और वो पुराने जमाने का बाजा जैसा होता है उस बाजे से हो रहा है। मेरी बुआ का यहाँ ससुराल है। यहाँ पर साजा पहुँच चुका हूँ मैं और साजा में भी विसर्जन चल रहा है, मतलब हर गाँव में विसर्जन चल रहा है गौरव गौरी का। देखो वो वाला रोड जाम कर दिए हैं, इस रोड से आना जाना चल रहा है, यहाँ चल रहा है पटाखे वगैरह फोड़ रहे हैं और यहाँ पे साजा ग्राम पंचायत साजा लिखा हुआ है। तो साजा पहुँच चुका हूँ, यहाँ भी मेरे बहुत ही ज़्यादा दोस्त तैयार हैं, हो सके तो मैं अभी आऊँगा साजा अपने गांव से फिर, और बनेगा तो आऊँगा, ये बनेगा तो नहीं आऊँगा। यहाँ मैं पढ़ाई किया हूँ साजा में, बचपन से लेकर क्लास 5 तक मैं यहाँ पढ़ाई किया हूँ साजा में। ये साजा बाजार चौक हो गया, बस स्टैंड भी यही है और बाजार चौक भी यही है, तो ये है बस स्टैंड और वहाँ है बाजार चौक। अभी मैं अपने गांव का रोड, यहाँ से 1 किलोमीटर बचा है मेरा गांव, तो इस साइड खेत है, इस साइड खेत है, बहुत हरियाली बढ़िया और धान सूख गया है, धान कटने के लिए आ चुका है अभी फिलहाल। शमशान घाट पड़ता है बीच में, तो ये है शमशान घाट, जल्दी से जल्दी पहुंचते हैं गाइस। 1 घंटा लगा मेरे को 70 किलोमीटर कवर करने में और वो भी स्प्लेंडर पे, मेरी फेवरेट बाइक है ये। और इधर भी देखो, इधर कुछ कुछ धान जो कि अभी पके नहीं है, तो ये जब सूख जाएगा पूरा उसके बाद यहाँ का धान कटेगा। विसर्जन के टाइम का तक मैं आज के व्लॉग में अपना फेस नहीं रिवील किया था, तो अभी मैं हूँ अपने दोस्त के घर और यहाँ से साजा जा रहा हूँ, मैं साजा जाऊँगा बोल रहा था आपको, तो अभी फिर आज साजा जाऊँगा, गाड़ी तैयार है। और मेरे जस्ट सामने हम लोग का खेत था पहले, अभी भी है शायद, ये वाला इस तरह से, तो अभी साजा चल रहा है, मस्ती चल रहा, मस्ती सब लोग मस्ती कर रहे हैं। अरे इसमें धुआं क्यों निकल रहा है यार, पहली बार देखा हूँ इसको।
पूरा धुआं ही धुआं हो गया। सब दोस्त हैं इन लोग साजा के, लेकिन भाग गया कहाँ, ये यहाँ पे खड़ा है। बीच में लगा दे बम को, लात वात में मार के फोड़ रहे इन लोग तो, बहुत तमाशा कर रहे हैं। रुक जा रुक जा रुक जा, अभी 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 आग लगाती है वो, पकड़ा ही है। बम कहाँ है बम, ये बम 10 बम पकड़ा है ये हाथ में। दिमाग देख दिमाग, अभी तो गाइस अभी फिलहाल मैं अपने गांव से निकल गया हूँ। इस तरह से मेरे गांव में विसर्जन हुआ और मैं कुछ दोस्तों से मिला मैं साजा में जाके। तो ये थे मेरे पुराने दोस्त। तो आज के व्लॉग पर मैं अभी फिलहाल घर के लिए निकल गया हूँ। गांव का जो खेत वेत है, रात में व्लॉग शायद होगा क्योंकि लाइट देख के ही होगा। मैं बीच में कहीं रुकूँ तो फिर करूँगा। तो अभी फिलहाल लास्ट तक बने रहना, अभी फिलहाल घर निकल रहा हूँ। बहुत बढ़िया शानदार, बहुत ज़्यादा ठंड है इधर खेती किसानी के कारण। तो अभी मैं साजा पहुँचाऊँगा ही, जो साजा में देख सकते हो कि पूरा सुनसान हो चुका है और अभी बज रहे हैं 6:30। तो इस तरह से अभी पूरा अंधेरा हो गया और भूख भी बहुत ही ज़्यादा लग रहा है मेरे को। तो अभी फिलहाल मैं कहा ढाबा ढूँढ रहा हूँ, तो ढाबा मिल जाए मुझे कुछ खा लेते हैं। तो ऐसे तो साजा में नहीं है, वो मेन बेमेतरा हाईवे में मिलेगा देवपर के आगे। तो फिलहाल देखते हैं गाइस कुछ। तो गाइस अभी फिलहाल मेरे बुआ का गांव है ये, और बुआ का घर चलते हैं आज वापसी में, क्योंकि कल भाई दूज है और पापा बोल रहे हैं कि बुआ से मिल लेते हैं। तो इस तरह से गड्ढे वड्ढे हैं, नाले वाले हैं गाँव हैं, तो बुआ से मिल लेते हैं करके। तो एक बार पहले बुआ से मिल लेते हैं, उसके बाद फिर यहाँ से फिर निकलते हैं। इतना दूर आए हैं और यहीं पास ही में रोड ही में गांव है उनका, तो मिलना भी तो बनता है। और कल आते हैं वापसी, तो फिर कल भाई दूज कराते हुए घर निकलते हैं, लेकिन आज मिल लेते हैं, उसके बाद फिर कल कहाँ आएंगे। तो ये रही मेरी बुआ का घर, ये वाला। ओ मेरी बुआ, बुआ प्रणाम, खुश रहो बेटा। गाइस अभी फिलहाल मैं अपने बुआ के घर से निकल चुका हूँ और इस तरह से पूरा अंधेरा लग रहा है, पूरा एक क्षण कोई नज़र नहीं आ रहा है मेरे को। तो अभी धीरे 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 करके धीरे धीरे अभी निकलते हैं जामुल की ओर। तो अभी तेंदुमाड़ से निकल गया हूँ और बुआ बना दी थी बड़ा पूड़ी, मतलब विवेकानंद का सब्जी। आज खाना भी नहीं खाया था दिन भर, तो हो गया पेट पूजा, मज़ा आ गया आज तो। आप सीधा, मैं आपको सीधा जामुल पर मिलता हूँ। मैं बहुत अंधेरा है अभी। अभी गाइस एक बात बताता हूँ आपको, मैं अभी मैं बुआ के यहाँ खाना खाया, मतलब खाना नहीं बड़ा और पूड़ी खाया और सब्जी था, तो उसमें जितना टेस्टी था और जितना प्रेम था ना, वो कोई ढाबा में नहीं मिलता। और मेरा प्लान था ढाबा में आके खाने का, लेकिन कितने 1000 रुपये का भी खाना खा लो, 2000 का भी खा लो, लेकिन उतना अच्छा स्वाद और उतना अच्छा टेस्टी प्यार नहीं आता। बुआ के हाथ का बड़ा खाया, तुरंत गर्म गर्म, बहुत बढ़िया मज़ा आया, क्या ही बताएं। आप भी बताना घर का खाना कैसा रहता है। घर का खाना है भाई बेस्ट है, सबसे अच्छा। और मैं कितना भी ट्रेवलिंग करता हूँ, लेकिन उतना खास बाहर का खाना नहीं खाता हूँ, मैं घर ही का खाता हूँ। तो गाइस ये रहा सुविधा हॉस्पिटल जामुल का। तो गाइस अभी फिलहाल मैं आ चुका हूँ अपने घर, और थोड़ा नोइज आ रहा होगा कि मम्मी और ना नानी आए हैं, उन लोग बात कर रहे हैं आपस में। तो अभी मैं पूरे एक घंटे में 70 किलोमीटर और वो भी स्प्लेंडर पे कवर किया हूँ, बहुत बढ़िया। तो आज का दिन तो कुछ ऐसा था, इस प्रकार था, जो कि आप जो सब देखे हुई हो। और पीछे एक गुल्लक उल्लक रखा है, इस पीछे इग्नोर करो। तो मेरा गांव गया था विसर्जन देखे, और कुछ दोस्तों से मिले हैं अपन, कुछ दोस्त फटाखा वटाखा फोड़ रहे थे, बहुत मस्ती किया। पहला दिवाली है जिसमें बहुत मस्ती किया मैं, और भाई लोग से मिला। और मैं एक क्लिप डालूंगा बीच में, एक फ़ोटो डालूंगा, 2-4 फोटो, जो एक दोस्त के यहाँ बैठ के भाई लोग के साथ खाना पीना कुछ किए और सब लोग बैठे हैं, जो मेरे पुराने दोस्त थे उनका भी फ़ोटो डालूंगा मैं एक साइड में, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार आज का दिन था, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना, और सभी को हैप्पी दिवाली, हैप्पी गोवर्धन पूजा। तो यहाँ तक देख लिए तो, और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर दो, ताकि इसी तरह से और वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइज, बाय बाय।